हाय फ्रेंड्स, मैं प्रभात कुमार प्रसाद फिर से ग्लेड टेक एंड प्लस के साथ। जैसा कि आप लोगों को मैं पिछले क्लास में बताया था, पूरे पूरे मतलब मॉड्यूल्स के ऊपर इंट्रोडक्शन दिया था। चलिए अब हम लोग इस क्लास में मॉड्यूल वन के पहले टॉपिक पे डील करेंगे, जो कि आपका है स्केल। स्केल में आपके तीन टाइप्स हैं। पहला टाइप आपका प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल एंड वर्नियर स्केल। मगर हमको इसके बारे में पहले डिटेल समझना है। हम डायरेक्ट प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और वर्नियर स्केल हम लोग नहीं बना सकते, ठीक है। इसके लिए कुछ पैरामीटर्स चाहिए, उन पैरामीटर्स को समझना पड़ेगा, तभी हम लोग यहां पे पहुंच सकते हैं। वो पैरामीटर्स क्या है देखते हैं। पहला पैरामीटर हमारा है यूनिट्स। तो हम लोग टॉपिक्स पे क्या थे, आपका यूनिट्स और आरएफ। ये दो पैरामीटर है जो हमें यूज आएगा ये जानने के लिए कि हम लोग को कैसे और कौन सा प्लेन बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज यूनिट्स। देखिए सबसे पहले तो यूनिट्स को मैं बहुत अच्छे से डील करना चाहूंगा और बहुत अच्छे से मैं यहाँ समझाऊंगा भी, उस चीज को ध्यान दीजिएगा। क्योंकि एज ए सिविल इंजीनियर या एज ए कोई भी इंजीनियर बोले, खासकर सिविल इंजीनियर्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स की लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है, रोल प्ले करता है आपका यूनिट्स। देखिए इंजीनियरिंग में अगर आप किसी भी क्वेश्चन में सॉल्यूशन करते हैं और वहां पर यूनिट्स अगर आप नहीं शो करते हैं कि कितना किलोन्यूटन है, कितना मीटर है, कितना क्या है, अगर आप यूनिट शो नहीं करते हैं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, मार्क्स रिडक्शन होगा, ठीक है। इसीलिए आपको जानना जरूरी है। और बहुत बच्चों का मैंने देखा है कि आपका कौन सा यूनिट कैसे कन्वर्ट होगा, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो एक इंजीनियर की लाइफ में यूनिट्स बहुत अच्छा मतलब एक कंसेप्चुअल चीज है और उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो चलिए आज आपको मैं समझाता हूँ यूनिट्स के बारे में, ठीक है। यूनिट्स है क्या, दो टाइप्स के यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट देखते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फर्स्ट आपका है मैट्रिक सिस्टम, सेकंड है आपका ब्रिटिश सिस्टम। अब मैट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम है क्या चीज, तो ये आपको बता देते हैं कि जितने भी आपके यूनिट्स में मीटर लगे रहते हैं वो आपके मैट्रिक सिस्टम के अंडर में आते हैं। चलिए उसको देखते हैं, ये आपका सिस्टम है, देखते हैं। मैट्रिक सिस्टम जो है आपका वो है आपका 10 mm इज इक्वल टू 1 cm। 10 mm 1 cm के बराबर होता है। 10 cm इज इक्वल टू 1 dm, यानी कि 10 cm 1 dm के बराबर होता है। ये जो आपके शॉर्ट फॉर्म्स हैं, शॉर्ट फॉर्म्स बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं, जिसमें कि mm आपको मालूम है मिलीमीटर, cm आपको मालूम है सेंटीमीटर, जहां जो चीजें नहीं मालूम है उस चीज को मैंने फुल फॉर्म में लिख दिया है, उसे देखते हैं। 10 dm इज इक्वल टू 1 m, 10 m इज इक्वल टू 1 dm, 10 dm इज इक्वल टू 1 hm, एंड 10 hm इज इक्वल टू 1 km। ये आपका सीरीज है। प्लीज इस सीरीज में थोड़ा सा भी चेंजेस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपका प्रॉपर सीरीज है। इस सीरीज से आप एक मतलब सिस्टमेटिक वे में आप कोई भी चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम के कुछ हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व। चलिए देखते हैं व्हाट इज ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में आपका ये जो पार्ट है इससे अगर हटा दें तो ब्रिटिश सिस्टम आपका यहां से स्टार्ट होता है। 12 inches इज इक्वल टू 1 foot, 3 feet इज इक्वल टू 1 yard, 220 yard इज इक्वल टू 1 furlong एंड 8 furlong इज इक्वल टू 1 mil। बहुत लोग को ये डाउट रहता है कि ये आपका वहां पे मैंने 1 foot लिखा है और यहां पे फिट लिखा है। 1 foot और फिट में कुछ नहीं है, फुट आपका सिंगुलर फॉर्म है यानी एकवचन है और फिट आपका प्लूरल फॉर्म है यानी कि बहुवचन है, ठीक है। अब नॉर्मली ये यार्ड को हम लोग नॉर्मली गज के नाम से जानते हैं, शायद आप लोगों ने कई फिल्मों में सुना होगा कि 2 गज जमीन के नीचे गाड़ दूंगा, तो ये जो गज वर्ड है दैट इज यार्ड। और 1 yard कितने फिट के बराबर होते हैं, 3 feet, ठीक है। अब हम लोग को ये 2 तो सिस्टम हो गए, अब इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपका इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये जो हमने मैट्रिक सिस्टम देखा और ब्रिटिश सिस्टम देखा, अब इससे हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं इस चीज पे ध्यान देंगे। चलिए पहले एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए आपको दिया हुआ है कन्वर्ट एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कन्वर्ट समथिंग किलोमीटर, जस्ट 6 km इनटू सेंटीमीटर,
क्वेश्चन आपका, कन्वर्ट 6 किलोमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब इसे ध्यान से देखेंगे, 6 किलोमीटर इंटू सेंटीमीटर, पॉइंट की बात क्या है हमारा, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। इस चीज को हम ध्यान से देखेंगे कि किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम लोग किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को देखते हैं, इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको हमको चेंज करने के लिए कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर हो, इसको देखने के लिए हम लोग मैट्रिक्स सिस्टम देखेंगे। चलिए मैट्रिक्स सिस्टम में देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में हमारा 10 हेक्टोमीटर होता है, यानी कि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर को, तो क्या कन्वर्ट होगा, हेक्टोमीटर। नाउ 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होता है, यानी कि अगर हम इसे फर्दर फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, डेकामीटर में। पहला वाला पार्ट किसमें कन्वर्ट हुआ था, हेक्टोमीटर में। दूसरा वाला पार्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, डेकामीटर में। जब हम 1 डेकामीटर को देखें तो आपका 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है, तो अगर हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो आपका यह पार्ट कितने में कन्वर्ट हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। जब फिर से हम मीटर की बात करते हैं तो 1 मीटर में हमारा 10 डेसीमीटर होता है, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, तो अगर यानी हमको फिर इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यह पार्ट किस यूनिट में कन्वर्ट हो गया, तो दैट इज डेसीमीटर। फिर हम जाते हैं 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर में आपका 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम लोग फर्दर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नाउ ये किसमें कन्वर्ट होते हैं, दैट इज योर सेंटीमीटर। और हमें क्वेश्चन किसमें चाहिए था, 6 किलोमीटर इंटू सेंटीमीटर, यानी किलोमीटर को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपका किलोमीटर को हमने यहां सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, अगर हम बात कर रहे हैं किलोमीटर और कितना सेंटीमीटर, तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 1 किलोमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट होता है, तो 10 to the power 5 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में 10 to the power 5 सेंटीमीटर। इस चीज को ध्यान दें, 1 किलोमीटर में 10 to the power 5 सेंटीमीटर, लेकिन क्वेश्चन में हमसे डिमांड क्या किया गया है, क्वेश्चन में हमसे डिमांड किया गया है 6 किलोमीटर। नाउ अब हमें यह देखना है कि 6 किलोमीटर में हमारा कितना सेंटीमीटर है, सिंपल है, 6 किलोमीटर इज इक्वल टू 6 यहां पे इंटू कर देंगे, यानी कि हमारा 6 किलोमीटर 6 × 10 to the power 5 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। यह तो आपका था बाय मैट्रिक्स सिस्टम। ऐसे ही आप हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 1 किलोमीटर को हमको सॉल्व करना था, कहां तक जाना था, सेंटीमीटर तक, तो हम लोग क्या किए, उल्टा सीरीज हम लोग सेंटीमीटर तक चले गए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में हमसे डिमांड किया गया है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, खैर वो तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, लेकिन अगर हम इसके थ्रू देखें तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो हम लोग 2 बार जाएंगे, 10 × 10। वैसे ही अगर बात करते हैं हम लोग कि 1 डेसीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा, तो हम लोग ये डेसीमीटर से गए मिलीमीटर तक, तो यानी कि 1 डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर। तो इस पैटर्न को हम लोग फॉलो करके किसी भी मैट्रिक्स सिस्टम के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चल के एक बार देखते हैं कि ब्रिटिश सिस्टम कैसे सॉल्व होगा, ब्रिटिश सिस्टम का भी रूल वही है, मगर उसे सॉल्व कैसे करेंगे इसे देखते हैं। नाउ सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कन्वर्ट हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश सिस्टम की, हमसे पूछा गया कन्वर्ट 8 yard इंटू इंचेस, क्या पूछा गया हमसे क्वेश्चन, कन्वर्ट 8 yard इंटू इंचेस, 8 yard इंटू इंचेस,
क्वेश्चन पे हमें ध्यान देने वाली बात क्या है, फिर से देखेंगे, क्वेश्चन पे हमारा ध्यान देने वाला मेन बात क्या है, वो है यार्ड एंड इंचेस। यार्ड एंड इंचेस, हम लोग फिर से जाएंगे ब्रिटिश सिस्टम में, देखेंगे यार्ड और इंचेस, इन दोनों के बीच में आपसे रिलेशन पूछा गया है कि 8 yard में कितना इंच होगा। तो चलिए देखते हैं 1 yard में कितना इंच होगा। तो सबसे पहला चीज, हम लोग 8 को भूल जाएंगे, इस पार्ट को हम लोग भूल जाएंगे, अभी हम लोग डील करेंगे सिर्फ और सिर्फ यार्ड एंड इंचेस में, 1 yard में कितने इंचेस होंगे। चलिए तो अब सबसे पहला काम करते हैं 1 yard में उससे छोटी वैल्यू देखते हैं, कितना फिट, 3 feet। तो 1 yard को 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये आपका फिट में कन्वर्ट हो गया। फिर हम लोग 1 feet में 12 इंच होते हैं, तो 1 feet को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये कन्वर्ट हो गया इंच में। और हमें क्वेश्चन किसमें चाहिए था, हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसमें चाहिए था, ध्यान से देखेंगे इंचेस में हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए था। तो आपका यार्ड इंचेस में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि एक यार्ड आपका कितने इंचेस के बराबर हो रहा है। तो यहां मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 12 3 36 इंटू 1 दैट इज 36 इंचेस, यानी कि 1 yard में हमारा 36 इंचेस होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम जाएं तो 1 yard में हमारा 36 इंचेस, मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है 8 yard, यानी कि 8 yard में हमारा कितना इंच होगा, सिंपल है, मल्टीप्लाई बाई 8 से मल्टीप्लाई करने पे आपका जो वैल्यू आएगा दैट इज योर, तो आंसर आपका आता है 288 इंचेस। हम एक बार फिर से जाएंगे और ध्यान से देखेंगे आपका ये कन्वर्ट कैसे हुआ है। तो फिर से ध्यान से देखेंगे, हमको क्वेश्चन पूछा था कि 8 yard में कितना इंच, तो हम लोग यार्ड से स्टार्ट किए थे और कहां तक मूव किए थे, इंच तक। तो ध्यान से देखते हैं 1 yard में इंच तक जाने के लिए आपको 3 feet एंड 12 inch से मल्टीप्लाई करना पड़ा था, ठीक है। तो आपका सेम सिस्टम दोनों में फॉलो होता है, चाहे मैट्रिक सिस्टम हो चाहे आपका ब्रिटिश सिस्टम हो, दोनों में आपका सेम आपका रूल फॉलो होता है कन्वर्जन सिस्टम के लिए। तो आपको कन्वर्ट करते हुए ये चीज याद रखना है कि आपका ये जो सीरीज है आपके दिमाग से गोल नहीं होना चाहिए। अगर ये आपका सीरीज आपके दिमाग में पर्टिकुलर सिस्टमेटिक ऑर्डर से अगर आपका सेट है तो याद रखिएगा कि आपको सॉल्यूशन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। और याद रखिए, जब भी आप स्केल सॉल्व करते हैं सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आपको ये आपको कॉपी में किसी कोने में जो भी आपका यूनिट दिया रहता है उसको आप मतलब एक बार लिख ले, ताकि क्या होता है कि जब भी हम सॉल्यूशन करने जाते हैं तो ऑन द स्पॉट क्या होता है, दिमाग से ये चीजें गोल हो जाती है। तो जब भी आप क्वेश्चन आपको सॉल्व करने वाले हैं तो सारा ये सिस्टम लिख लें साइड में, ताकि आप सॉल्यूशन करते वक्त आपको इजी होगा, ठीक है। तो चलिए, आपका पहला पैरामीटर था हमारा सॉल्यूशन के लिए स्केल बनाने के लिए दैट इज यूनिट। सेकेंड हमारा पैरामीटर जो हम लोग बताए थे दैट इज RF। RF क्या है वो डील करते हैं हम। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सेकेंड आपका पैरामीटर है दैट इज RF। अब ये RF क्या है, ऑब्वियसली बात है ये RF क्या है, शॉर्ट फॉर्म है RF क्या है। तो R फॉर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। सिंपल सा अगर वर्ड में हम इसको समझने की कोशिश करें तो किसी भी चीज को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, किस टर्म में, फ्रैक्शन के टर्म में। वर्ड से क्लियर करते हैं, किसी भी चीज को ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है किस टर्म में, फ्रैक्शन के टर्म में, इसलिए इसका नाम क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। व्हाट इज RF? नाउ व्हाट इज RF? RF क्या है, RF है आपका, ध्यान समझिएगा, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द ड्रॉइंग ऑन द पेपर टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान से देखेंगे हम लोग, लिख के एक बार फॉर्मूला देखेंगे। तो
जैसा कि मैं बताया, आरएफ क्या है, ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले से, इट इज द रेशियो, व्हाट इट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ड्रॉइंग ऑन ड्रॉइंग शीट, जिस पे भी हमें ड्रॉइंग करना है, इट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ड्रॉइंग ऑन ड्रॉइंग शीट टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लेंथ इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब समझेंगे हम लोग छोटी सी चीजों से ये आरएफ होता क्या है। समझिए, कोई बहुत बड़ा प्लॉट है, एज ए सिविल इंजीनियर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि बहुत बड़ा प्लॉट है, एग्जाम्पल के तौर पे 2400 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, क्या हम 2400 स्क्वायर फीट में जब भी कल तक किसी के ड्रॉइंग इंजीनियर के पास जाते हैं उनसे बोलते हैं प्लान बनवाना है, तो क्या वो 2400 स्क्वायर फीट का बड़ा सा पेज निकालता है, क्या उसके पास 2400 स्क्वायर फीट का बड़ा सा पेज है, क्या इतने बड़े साइज का पेज अवेलेबल है, नहीं, ऑब्वियसली बात है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसे एक नॉर्मल पेज में उस जो आपका प्लान है उसे हम बनाने की कोशिश करते हैं, कौन से साइज के हिसाब से, 2400 स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो ऑब्वियसली बात है उतना बड़ा प्लॉट और हम डिजाइन कर रहे हैं छोटे से पेपर में, तो कुछ ना कुछ रेशियो में कम होगा, कुछ ना कुछ रेशियो में कम होगा, रेशियो में जो कम होगा उसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, आरएफ। और एग्जांपल के तौर पे ध्यान देते हैं, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वही आपका प्लॉट का साइज और लेंथ ऑफ द ड्रॉइंग, जिस ड्रॉइंग लेंथ से हम ड्रॉइंग बनाते हैं दैट इज योर रेशियो, जो हम लोग कन्वर्ट करके बनाते हैं पेपर पे वो है, दिस इज नोन एज आरएफ। एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या आपने कभी भी अपने हाथ में ध्यान से देख के बैक्टीरिया देखा है, नहीं देखा है, लेकिन स्कूल के टेक्स्ट बुक में आपने बैक्टीरिया के बड़े से फोटो देखे, बड़े से डायग्राम देखे, क्या उतना बड़ा डायग्राम होता है, क्या उतना रियल में आपका बैक्टीरिया होता है, क्या नहीं होता है, तो ये आपका इतना बड़ा साइज का कैसे दिख रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ आरएफ, जस्ट बिकॉज ऑफ आरएफ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया बहुत माइन्यूट, बहुत माइन्यूट, और लेंथ ऑफ द ड्रॉइंग ऑन द पेपर उसको हम लोग क्या करते हैं, एनलार्ज कर देते हैं, ठीक है। तो समझिएगा आरएफ आपका क्या है, लेंथ ऑफ द ड्रॉइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको एग्जांपल के तौर पे ऐसे लिख सकते हैं, हम फॉर्मूले वाइज अगर ध्यान से देखें तो ऐसे लिख सकते हैं, आरएफ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ड्रॉइंग एलओडी और एलओएस लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल एंड लेंथ ऑफ ड्रॉइंग इज सेम, मतलब किस स्केल से हम लोग छोटा कर रहे हैं, किस साइज से हम लोग छोटा कर रहे हैं और या किस साइज से हम बड़ा कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, दैट इज योर लेंथ ऑफ स्केल और लेंथ ऑफ ड्रॉइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जिसका हमको ड्रॉइंग बनाना है पेपर में, उसका एक्चुअल लेंथ और मैक्सिमम लेंथ, उसकी जितनी मैक्सिमम लेंथ है उसका लेंथ। तो हमारा आरएफ क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, आरएफ इज लेंथ ऑफ ड्रॉइंग और लेंथ ऑफ स्केल अपॉन एक्चुअल लेंथ और मैक्सिमम लेंथ। अब पॉइंट की बात यह है कि इसका यूनिट क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पढ़े थे, तो भैया आरएफ का यूनिट क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आरएफ का यूनिट क्या होता है, कुछ लोग कह रहे थे कि सर मीटर में, किलोमीटर में, इसमें कुछ नहीं होता, पहले ही मैंने एक वर्ड बोला था, आरएफ इज द रेशियो, तो रेशियो इज डायमेंशनलेस और यूनिटलेस, इसका कोई आपका यूनिट नहीं है, ये आपका एक जस्ट फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है, जिस फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है। चलिए अब समझते हैं कि इसी आरएफ को बेस रख के स्केल को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इसी आरएफ को बेस रख के स्केल को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वो तीन पार्ट्स क्या है उसे देखते हैं। चलिए जैसा मैंने कहा, ऑन द बेसिस ऑफ आरएफ स्केल इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, फिर से ध्यान देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ आरएफ, किसके बेस पे, आरएफ के बेस पे स्केल को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फर्स्ट पार्ट रेड्यूसिंग स्केल, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेड्यूसिंग स्केल, समझने की कोशिश की, जैसा कि मैंने पहला एग्जांपल दिया था, पहला एग्जांपल क्या दिया था कि प्लॉट को हमको किस पे ड्रॉ करना है, एक प्लॉट पे आपको घर बनाना है, उस घर का प्लान हमें ड्रॉ करना है एक पेज पे, तो जैसा कि मैंने बताया
उतना बड़ा हमारे पास ड्राइंग शीट या पेपर अवेलेबल है? नॉट पॉसिबल। तो हम क्या कर रहे हैं, उतने बड़े पार्ट को हम रिड्यूस कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, उस पार्ट को हम स्मॉल साइज में लेके आ रहे हैं, ताकि वो साइज आपका कहां फिट हो जाए, ड्राइंग शीट पे। तो यहां पे ध्यान देंगे, हमारा स्केल यहां पे क्या यूज कर रहा है, या आरएफ हमारा यहां पे किस लिए यूज हो रहा है, किसी भी बड़े साइज को छोटा करने पे, किसी भी बड़े साइज को या बड़े लेंथ को या बड़ा डायमेंशन को हम छोटा करके कहां पे फिट कर रहे हैं, ड्राइंग शीट पे। फॉर एग्जांपल, अगर आप बात करते किसी मॉल में जाते हैं, किसी भी आप बहुत ज्यादा करते हैं मॉल में, आजकल तो वैसे फैशन चल ही रहा है, मॉल में जाते हैं, इतना बड़ा मॉल होता है, इतना बड़ा साइज का मॉल होता है, आप किसी भी मॉल का डिजाइन जब हुआ होगा तो ड्राइंग शीट में ही हुआ होगा। क्या उतना बड़ा मॉल एक छोटे से ड्राइंग शीट में उसका पूरा डिजाइन पॉसिबल है? है पॉसिबल, जस्ट बिकॉज कि वहां पे आपका काम क्या कर रहा है, आरएफ, एंड आरएफ यूज क्या कर रहा है, उसे किसी भी बड़े साइज को छोटा कर रहा है, किसी भी बड़े साइज को आपका छोटा कर रहा है। इसीलिए हम उस स्केल को क्या बोलते हैं, रेड्यूसिंग स्केल। यानी वर्ड से क्लियर करिए कि रेड्यूसिंग स्केल क्या है, रेड्यूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रेड्यूस, रेड्यूस कर रहा है आपके साइज को, ओरिजिनल साइज को, एक्चुअल साइज को, जो आपका मैक्सिमम लेंथ ऑफ साइज है किसी भी ऑब्जेक्ट का या एक्चुअल साइज है, उस साइज को ड्रॉइंग शीट में लाने के लिए रेड्यूस कर रहे हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है, रेड्यूसिंग स्केल। व्हाट इज रेड्यूसिंग स्केल? नाउ नेक्स्ट, एनलार्जिंग स्केल। नाउ जैसे कि मैंने सेकेंड पॉइंट बताया था, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, न्यूक्लियस, ये सारा जो हम लोग बायोलॉजिकल टर्म पढ़ते हैं, मतलब बहुत माइन्यूट होता है ये, ऐसे इतना माइन्यूट होता है कि हम लोग अपने नेकेड आईज से इवन हम लोग उसको देख भी नहीं सकते। अगर आप अपने हाथ को ध्यान से देखेंगे तो इसमें बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया है, लेकिन अगर आप अपने आंखों से देखना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है, उसे हम लोग को क्या देखना पड़ता है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। लेकिन हम लोग को ये सोचना चाहिए कि वो आपका जो चीज इतना छोटा है वो ड्रॉइंग शीट में इतने बड़े साइज में कैसे दिखता है, कुछ ना कुछ टेक्निक होगा। तो वो टेक्निक है, दैट इज आरएफ। आरएफ क्या करता है, उस छोटे से साइज को, उस माइन्यूट से साइज को एनलार्ज करता है, उस माइन्यूट से साइज को एनलार्ज करता है, और वो हमारे ड्रॉइंग शीट पे आता है, एक रेशियो में, एक आपका स्केल पे उसे एनलार्ज करता है, उस साइज को एनलार्ज करके आपका ड्राइंग को बनाता है। इसीलिए आपका इसका नाम क्या है, एनलार्जिंग स्केल। एनलार्जिंग स्केल मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल लेंथ है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल लेंथ है या एक्चुअल डायमेंशन है या एक्चुअल साइज है, उस साइज को, उस डायमेंशंस को एनलार्ज करके हमारे पास ड्राइंग शीट में लेके आता है, दैट इज एनलार्जिंग स्केल, दैट इज एनलार्जिंग स्केल। थर्ड है आपका इक्वल साइज स्केल। बहुत सिंपल, नाम से क्लियर है, इक्वल साइज स्केल, नाम बहुत ही सिंपल सा है, इक्वल साइज स्केल। अब ये समझना चाहिए कि यहां पे इक्वल साइज स्केल क्यों बोला है, ध्यान से समझिए। ये आप ध्यान से देख सकते हैं, ये मार्कर है, क्या इस मार्कर का जो ओरिजिनल डायमेंशन है, सेम डायमेंशन को या सेम साइज को क्या मैं ड्राइंग शीट पे नहीं बना सकता? बना सकता हूं। एक पेन है, पेन का जो ओरिजिनल डायमेंशन है, क्या उस डायमेंशन से मैं ड्राइंग शीट पे नहीं बना सकता? बना सकता हूं। यानी कि अगर हम लोग इसे इन शॉर्ट समझें, तो जो ऑब्जेक्ट या जिस ऑब्जेक्ट का साइज इतना हो कि उसे इजीली हम लोग सेम टू सेम इक्वल साइज पे हम उसे ड्राइंग शीट में बना सके, यानी उसके एक्चुअल साइज को हम लोग कॉपी कर सके ड्राइंग शीट में, जो उसका एक्चुअल डायमेंशन हो, साइज हो, उसको हम लोग सेम टू सेम कॉपी कर सके ड्राइंग शीट में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल साइज स्केल। यानी कि यहां पे जो आपका ओरिजिनल डायमेंशन है या ओरिजिनल आपका साइज है ऑब्जेक्ट का, उसी साइज को, उसी डायमेंशन को, उसी मतलब ऑब्जेक्ट के पूरे लुक को सेम टू सेम कवर करके आपका ड्राइंग शीट में उतार देते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वल साइज स्केल। तो आपका ध्यान से देखेंगे, आरएफ के बेस पे
तीन चीजें आपका टाइप्स आया है, तीन टाइप्स आई है। फर्स्ट इज रेड्यूसिंग स्केल। रेड्यूसिंग स्केल ध्यान से समझेंगे, रेड्यूस करता है किसी भी साइज को, एक्चुअल साइज को रेड्यूस करते हैं, एक्चुअल डायमेंशन को रेड्यूस करते हैं। एनलार्जिंग स्केल किसी भी साइज को एनलार्ज करते हैं, एनलार्ज करके हमारे ड्राइंग शीट के लायक लेके आते हैं। और इक्वल साइज स्केल, जिस साइज में जो ऑब्जेक्ट रहता है उसी साइज में उसे सेम टू सेम कॉपी करता है। लेकिन याद रखिएगा, ये साइज आपके उतने ही होने चाहिए कि ड्राइंग शीट में कवर हो सके। अगर ड्राइंग शीट से ज्यादा बड़ा साइज है तो ऑब्वियस ही बात है उसको या तो एनलार्जिंग स्केल से तो पॉसिबल नहीं है, रेड्यूसिंग स्केल यूज करके हमें उसे रेड्यूस करना पड़ेगा अगर उससे बड़ा है तो, और बहुत माइन्यूट है तो हमें उसे एनलार्ज करना पड़ेगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि तीन टाइप के स्केल होते हैं, रेड्यूसिंग, एनलार्जिंग एंड इक्वल साइज स्केल ऑन द बेसिस ऑफ आरएफ। तो जैसे कि हम लोगों ने आरएफ देख लिया, आरएफ के बेस पे स्केल के तीन टाइप्स देख लिए, अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आरएफ के बेस पे। नाउ फाइंड द आरएफ इफ 10 किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 20 सेंटीमीटर। दो चीजों को हमको ध्यान देना है। पहला चीज, हमको कन्वर्ट किसको करना है, 10 किलोमीटर 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान से एक चीज देखिएगा कि हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है 20 सेंटीमीटर से। क्या किया जा रहा है, 10 किलोमीटर को हमारा 20 सेंटीमीटर से क्या किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सबसे पहले दिमाग में एक चीज सेट करिए, ये कौन सा स्केल हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ आरएफ, ये कौन सा स्केल हो सकता है, 10 किलोमीटर को 20 सेंटीमीटर में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिंपल सी चीज है, एक बड़ी लेंथ को एक छोटे डायमेंशन में ड्राइंग शीट में हम कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो दिमाग ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कौन सा स्केल होगा, दैट इज रेड्यूसिंग स्केल। यहां पे हम लोग साइज को रेड्यूस कर रहे हैं, यहां पे हम लोग साइज क्या कर रहे हैं, रेड्यूस कर रहे हैं। लेकिन रेड्यूस तो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन किस रेशियो से रेड्यूस हो रहा है, वही आपका क्वेश्चन पूछा है। फाइंड द आरएफ, आरएफ क्या बोलता है, ये आरएफ क्या होता है, एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है, जो आपको मैंने पहले बताया कि किस रेशियो से ये उस साइज को रेड्यूस कर रहा है, ये क्वेश्चन में समझने की कोशिश करेंगे। 10 किलोमीटर को 20 सेंटीमीटर से, जैसा कि मैंने आरएफ की वैल्यू बताई थी तो आरएफ का फॉर्मूला बताया था, ध्यान से देखिएगा, आरएफ RF is equal to length of drawing to the actual length. Length of drawing to the actual length. अब ध्यान से देखेंगे length of drawing इन दोनों units में कौन सा है, तो बहुत simple है, आपका 10 किलोमीटर तो drawing sheet में बन नहीं सकता, तो obviously बात है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर is your length of drawing. तो 20 सेंटीमीटर क्या है, आपका length of drawing है जो कि हमारे पास दिया हुआ है। दूसरा आपका बोलते हैं एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ क्या है आपका यहां पे, दैट इज 10 किलोमीटर, ये भी आपका दे दिया और पूछ क्या रहा है आपसे, आरएफ। चलिए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं वैल्यू क्या आएगी, यानी कि किस स्केल में या किस रेशियो में आपका इस ऑब्जेक्ट को रेड्यूस किया गया है। चलिए क्वेश्चन में आपका एलओडी 20 सेंटीमीटर है और एक्चुअल लेंथ 10 किलोमीटर। नाउ अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट के हिसाब से देखें तो ये कितना हुआ, सर 2, वैल्यू 2 हुआ, लेकिन ये गलत है, यहां पे यूनिट का खेल है, यूनिट को ध्यान से देखें, इसे नॉर्मल आप सॉल्व करने की कोशिश ना करें क्योंकि यहां पे दोनों यूनिट्स आपके डिफरेंट हैं। आपका यहां पे देख सकते हैं ये आपका सेंटीमीटर में डील किया गया है और ये आपका किलोमीटर में डील किया गया है, तो हमें दोनों को सेम यूनिट में लेके आने की जरूरत है। दोनों जब तक सेम यूनिट में नहीं आएगा आपका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो चलिए इसको दोनों को सेम यूनिट में लेके आते हैं, 20 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर। याद करते हैं हमारा मैट्रिक सिस्टम, जो आपका मैट्रिक सिस्टम यूनिट कन्वर्जन हम लोगों ने किया था, वहां पर मैट्रिक सिस्टम मैंने सीरीज बताई थी। तो देखिए मैं तो पीछे नहीं जा सकता, लेकिन आप लोग वीडियोस में पीछे जाके अगर आपको डाउट है तो पीछे जाके फिर से
उस यूनिट सिस्टम को आप लोग देख सकते हैं, या तो अगर मेरे साथ साथ अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो नोट किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आप लोग। और अगर मान लीजिए बाई चांस आपने छोड़ दिया है और सिर्फ वीडियो पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो आपको ये चीज सॉल्व करने के लिए आप फिर से पीछे चले जाइए, थोड़ा सा रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको वहां पे सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। तो वहां से मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, तो 10 किलोमीटर इनटू 10 टू द पावर 5 करेंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कहां से आया मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये आप लोग अभी जो क्लासेस में जो स्टार्टिंग में आपका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की टॉपिक चल रहे थे वहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैट्रिक्स सिस्टम में आपके वहां से कैसे चेंज करते हैं उस पर क्वेश्चन भी हमने किया था, वहां से आप देख सकते हैं कि कैसे चेंज होता है। वहीं से आपका ये सॉल्यूशन आया है कि 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से, दिस इज योर सेंटीमीटर एंड दिस इज योर सेंटीमीटर। नाउ अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में कैंसिल हो गया, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेशियो में। तो रेशियो क्या हो रहा है, ये आपका 20/10^6, 20/10^6, और इसको 10/10^5 ये आपका आ रहा है। और इसको करते अगर चेंज करेंगे तो सिंपल है 2×10^-5, ये आपका रेशियो है, या बोल सकते हैं ये आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, या आरएफ है, या स्केल है। जिस रेशियो या जिस स्केल या जिस आरएफ का के वजह से आपका ये जो साइज है 20 सेंटीमीटर में आपका 10 किलोमीटर शो कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब इस रेशियो से अगर आपका हम लोग ड्राइंग को चेंज करेंगे तो आपका 10 किलोमीटर 20 सेंटीमीटर आपका शो कर पाएंगे एक ड्राइंग शीट में। ध्यान से फिर से सुनिएगा, अगर हम इस रेशियो के अकॉर्डिंग जाएंगे, इस रेशियो के अकॉर्डिंग जो कि हम सॉल्व करके लेके आए हैं, अगर इस रेशियो के या बोल सकते हैं इस स्केल के या इस आरएफ के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 10 किलोमीटर हमारा ड्राइंग शीट में 20 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट होगा। ध्यान से समझिएगा कि 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए 20 सेंटीमीटर तभी होगा जब आपकी आरएफ का वैल्यू 2×10^-5 रेशियो होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आपका जब भी हम स्केल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट में आपको आरएफ कैलकुलेट करना होता है, आरएफ अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको कैलकुलेशन आपका होता है लेंथ ऑफ द ड्राइंग। खैर वो क्वेश्चन में जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि इस जो आज की क्लासेस थी, आज की क्लास में से सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो ध्यान देने वाली चीज है जो लाइफ टाइम के काम आएगी वो है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आपको इसी सब्जेक्ट में नहीं, आपको इन फ्यूचर बोलेंगे तो हर सब्जेक्ट में, हर मतलब फील्ड में एज ए इंजीनियर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब एक बोल सकते हैं कि एक इंजीनियर्स के लिए एज ए मतलब बोल सकते एसेंशियल थिंग है कि आपको डील करना आना चाहिए यूनिट्स के साथ। अगर आप यूनिट्स के साथ खेल सकते हैं तो एक आप अच्छे इंजीनियर हैं, क्योंकि आप जब भी फील्ड में जाते हैं आपको यूनिट्स के साथ ही खेलना होता है। तो इसीलिए आपको जो मैं स्टार्टिंग में यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स के बारे में बताया, कोशिश करिए कि आप उसे अच्छे से कदर समझने की कोशिश करिए, उसे अच्छे से कदर डील करने की कोशिश कीजिए, और हमारे वीडियोस को कोशिश कीजिए कि बार बार रिवाइंड करके, अगर नहीं समझ में आता बार बार रिवाइंड करके उसको समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए आपको नेक्स्ट जब भी हमारा क्लास आएगा इसके आगे हम डील करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, और हमारे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियोस को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो जो बच्चे मतलब इस सब्जेक्ट में बैक लाए हैं या इस सब्जेक्ट में उनको जिनको प्रॉब्लम्स है, उन बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते ये कॉस्टली ट्यूशंस और कोचिंग सेंटर अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एक ईजी ऑप्शन हो जाएगा सॉल्यूशन करने का, और उनका फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।